नमस्कार, स्वागत है आपका धोबी घाट पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। फिर लाया हूं खबर के पीछे की खबर। खबर यह है, महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद ने चुने हुए जनप्रतिनिधियों के गैर जिम्मेदाराना हरकतों पे अंकुश लगाने के लिए नीति मूल्य समिति का गठन करने का तय किया है। महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद, ये दोनों सदन दो अलग अलग नीति मूल्य समिति अपने सदस्यों के लिए बनाएगी। यह समिति स्थापित होने के बाद जब भी कोई जनप्रतिनिधि गैर जिम्मेदाराना हरकत करेगा, अरे मारपीट, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अभद्रता, तो उसकी सीधी कंप्लेंट आम आदमी इस समिति को कर सकता है और समिति इंक्वायरी करके उस जनप्रतिनिधि पे एक्शन लेगी। महाराष्ट्र के दोनों सदनों ने जब यह समिति स्थापित करने का सोचा है तो यह बहुत पॉजिटिव बात है। लेकिन खबर के पीछे की खबर यह है, क्या हमारे देश में और महाराष्ट्र राज्य में ऐसे कानून नहीं है जो जनप्रतिनिधियों को उनकी आचार संहिता बताते हैं? जब कानून होने के बाद भी उस पर कार्यवाही नहीं होती तो ये समिति और क्या कर लेगी? इसी महाराष्ट्र के विधानसभा भवन में जब कुछ एमएलए एक ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, तब कानून कहा जाता है। उस पुलिस कर्मचारियों को तो सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन एमएलए पे कार्यवाही हुई और बाद में विड्रॉ हुई। जब कानून होते हुए विधानसभा में मारा मारी को नहीं रोका जाता तो ये समिति क्या वाकई कुछ कर पाएगी? ये तो समय बताएगा। यह है खबर के पीछे की खबर। देखते रहिए धोबी घाट।